now. Oh! So, hey guys, welcome back to my another video. So guys, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एक स्पिन से के और नाइट बंडल कैसे निकाल सकते हो। सो गाइस, जैसे कि मैंने कोबरा बंडल निकाला था बिल्कुल सेम प्रोसीजर से, वैसे ही ये वाला बंडल भी निकालने वाला हूँ, तो शायद निकल जाए। तो गाइस, पूरा मैं आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे एक स्पिन से निकाल सकते हो बिल्कुल कम डायमंड में। तो अगर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करना मत भूलना। तो चलो गाइस, शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो के ओ बंडल को कैसे निकालें। तो गाइस, सबसे पहला जो स्टेप होगा तो आपको करना क्या होगा, आपको अपनी आर्मर वाली कलेक्शन में जाके अपनी सारी गन्स की स्किन्स को अनइक्विप करना होगा, चाहे वो लेजेंडरी हो चाहे वो थीम गन हो। सो गाइस, उनको अनइक्विप कर लीजिए, आप जल्दी से जल्दी सारी की सारी गन अनइक्विप कर लीजिए। उसके बाद आपको जाना है अपने करेक्टर वाले सेक्शन में। करेक्टर वाले सेक्शन में जाके आपको करना क्या होगा, एक्टिव स्किल वाले करेक्टर को हटा देना है और रख लेना है पोसेसिव स्किल, और उसमें भी पोसेसिव स्किल होनी चाहिए सारी की सारी, कोई भी एक्टिव स्किल नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मैंने हयाटो रख लिया है, उसमें कोई भी एक्टिव स्किल नहीं है। तो गाइस, उसके बाद आपको जाना है अपने वॉल्ट वाले सेक्शन में। वॉल्ट वाले सेक्शन में जाके आपको रख लेना है फ्री वाला बंडल जो आपको दिवाली वाले इवेंट में मिला था। तो इस तरीके का आपको कर लेना है सब कुछ। ऐसा करने से क्या होगा, गरीने वालों को लगेगा कि आप गरीब हो, ठीक है ना। और आपको पेट भी रख लेना है फाल्को जो कि आपको फ्री में मिला था। सो गाइस, ये वाला पूरा ड्रेसअप सेटअप कर लीजिए, अपना गन स्किन सब कुछ ऐसा ही कर लीजिए। उसके बाद आपको करना क्या होगा, गोल्ड रॉयल में थोड़े स्पिन कीजिए, ठीक है। जैसे कि मैं अभी स्पिन कर रहा हूँ, गोल्ड रॉयल में स्पिन कर रहा हूँ। उसके बाद अपने लेजेंडरी रॉयल जो आया है आपका, उसमें स्पिन कीजिए, एक दो स्पिन उसमें कीजिए, फिर गोल्ड रॉयल में आ जाइए। जैसे कि मैं इसमें भी स्पिन करने वाला हूँ अभी, तो जैसे कि आप देख ही रहे हैं, जो मैं हमारा लेजेंडरी रॉयल आया है उसमें हम स्पिन करेंगे अभी। इसके बाद तो जैसे कि हम करेंगे 20 वाले से, ठीक है, 20 वाला स्पिन करेंगे। सबसे पहले 20 वाला स्पिन, एक स्पिन करेंगे आज का, सिर्फ एक ही स्पिन करेंगे। अगर हमारा एक स्पिन में निकल जाता है तो हम उसके बाद स्पिन नहीं करेंगे। तो चलो गाइस, स्पिन करते हैं। तो सबसे पहले आपको टोकन पे ऐसे टैप 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 कर लेना है और स्पिन कर देना है। सो गाइस, हमने स्पिन कर लिया है, हमें नहीं मिला है, हमें मिला है वाउचर। सो गाइस, अभी हम दूसरा स्पिन करने जा रहे हैं, तो शायद दूसरे स्पिन में निकल जाए। तो गाइस, हमारा दूसरे स्पिन में भी नहीं निकला है। सो गाइस, उसके बाद दो तीन स्पिन करने के बाद फिर से गोल्ड रॉयल में आ जाइए, 10 स्पिन एक साथ कीजिए ताकि उन्हें लगे कि आप बहुत सारे स्पिन कर रहे हो। तो गोल्ड रॉयल में स्पिन करने के बाद फिर से उसमें ही चले जाओ अपने लेजेंडरी रॉयल में, फिर से स्पिन करो, अगर निकला तो भी ठीक, उसके बाद स्पिन आपको नहीं करना है। स्पिन करो, हमारा नहीं निकला। अभी इसके बाद तीन स्पिन के बाद आपको एक भी स्पिन नहीं करना है, आपको एक्सचेंज कर लेनी है आइटम। तो गाइस, हमने एक्सचेंज कर लिया आइटम। तो गाइस, आप देख सकते हो हमें मिल चुका है येलो टोकन। सो गाइस, आप इसी तरीके से येलो टोकन ले सकते हो, हर एक रोज़ एक एक स्पिन करके भी आपको निकल सकता है। मैंने कोबरा बंडल, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने कोबरा बंडल ऐसे ही निकाला था, तो गाइस आप रोज़ का एक स्पिन करके भी ये निकाल सकते हो। तीन स्पिन मैक्सिमम, तीन स्पिन कीजिए और फोर्थ स्पिन कीजिए एक्सचेंज वाला। तो इस तरीके से आप कुछ बंडल निकाल सकते हो। तो आज की वीडियो में गाइस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।